Good evening to everyone. So today we are continuing with share capital. अभी तक हमने क्या किया है share capital में? Date is 15th April 2020. What we have done? Full subscription means 10,000 shares issue किए, लोगों ने भी 10,000 खरीदे. Under subscription, हमने 10,000 shares issue किए, लोगों ने 9,000 खरीदे. तो naturally सारी entries कितने shares से हो जाएंगी? 9,000. फिर हमने किया issue of shares at par, P-A-R, par. Par यानी share of rupees 10 issued at rupees 10, उसकी entries की. फिर हमने किया issue of shares at premium. Premium यानि rupees 10 वाला share rupees 14 पे, 12 पे, 13 पे issue किया. ठीक है जी. फिर हमने किया अगर कोई default हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं calls in arrears, है ना. अच्छा, issue of shares at premium में हमने SPR बनाया. क्या बनाया? SPR. और calls in arrears means when somebody fails to make the payment, he becomes debtor. और इन सब के साथ related हमने journals किए. ठीक है जी. तो now let us start with calls in advance. Next topic for today, write down treatment of calls in advance. पहले ये और यहाँ तक का ट्रीटमेंट करके फिर हम कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, चलो राइट डाउन. एडवांस में पैसे देना. व्हेन एनी शेयर होल्डर मेक्स द पेमेंट ऑफ व्हेन एनी शेयर होल्डर makes the payment of subsequent call with previous call, it is called calls in advance. किसी भी शेयर होल्डर ने जल्दी पैसे दे दिए, इसको क्या नाम देंगे? कॉल्स इन एडवांस. सबसिक्वेंट मीन्स आगे वाली कॉल पहले ही दे दी, पिछली कॉल के साथ ही दे दी. बाय मेकिंग द पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट एडवांस में देने के कारण द शेयर होल्डर बिकम्स debtor. By making the payment advance, the shareholder becomes creditor of the company. वो हमारा क्या बन जाएगा? creditor. जो बंदा पैसा जल्दी दे देता है वो क्या बन जाता है? creditor, क्योंकि हमने क्या देनी है? service. therefore calls in advance is credited when received. जब मिली तो calls in advance को क्या कर देंगे? credit. and debited at subsequent stage when it was supposed to be received. अगली स्टेज पे उसको डेबिट कर देंगे. हाउ देखते हैं, लेट्स सी. क्वेश्चन में सारा क्लियर होगा, सो पहले क्वेश्चन लिखो. डेबिटेड एट सब्सिक्वेंट स्टेज व्हेन इट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड. एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, कॉल्स इन एडवांस इज ट्रीटेड इन बैंक एंट्री. कॉल्स इन एडवांस
is treated in bank entry. हमेशा बैंक एंट्री में ट्रीट होगा. कॉल्स इन एडवांस इज ट्रीटेड इन बैंक एंट्री. Calls in advance is treated in bank entry. हमेशा bank entry में treat होता है. ठीक है, question लिखेंगे. M Limited issued 30,000 shares of rupees 10 each. Money payable on application for on allotment 3, on first call 2, on second call 1. Second is final. मैं ना भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको करती हूँ थोड़ी देर में. ठीक है, ऑन सेकेंड कॉल फाइनल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलो जी आगे. अ शेयर होल्डर होल्डिंग 700 शेयर्स मेड द पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट. कहते एक शेयर होल्डर था, उसके 700 शेयर्स थे, उसने सेकेंड कॉल भी जल्दी, फर्स्ट कॉल भी जल्दी दे दी और सेकेंड कॉल भी जल्दी दे दी. ठीक है, नोटेड डाउन. कर लिया नोट सबने? चलो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन शुरू करेंगे. अब इस बार क्या हुआ, एक बंदे ने पैसे जल्दी दे दिए. चलो जी, कितने शेयर्स ऑफर किए थे? 30,000 फर्स्ट एंट्री. एप्लीकेशन स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 30,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन मनी 4,120,000. सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू शेयर कैपिटल 1,20,000. ठीक है, चलो अगली स्टेज. ड्यू सारी करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. 30,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी थी? 3. 30,000 × 3, 90,000. इधर ही कर देती हूँ. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड. एक तो अलॉटमेंट मिलनी थी, और कहते एक शेयर होल्डर था, उसने अपने 700 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जल्दी दे दी. 700 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितनी थी? 2 रुपये. प्लस 700 शेयर्स पे सेकंड कॉल कितनी थी? 1. यानी 2100 रुपीस एडवांस में आ गए. उसको क्या नाम देंगे? कॉल्स इन एडवांस. कब आए? अलॉटमेंट के साथ. शेयर होल्डर होल्डिंग 700 शेयर्स मेड द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल
along with allotment. बाकी अपनी नॉर्मल अलॉटमेंट तो जो मिलनी थी वो मिल गई 90,000, तो टोटल अलॉटमेंट पे मुझे कितने मिले 92,100. कैसे मिले 90,000 अलॉटमेंट के 2,100 अगली स्टेज का एडवांस, तो टोटल मिला 92,100. ठीक है जी, अगली स्टेज ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड, ड्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यू पूरी पूरी करो. टू शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 60,000. 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया 60,000. एंट्री नंबर डाल दें जरा, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5. अब आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 6. एंट्री नंबर 6 बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर फर्स्ट कॉल मिलनी थी और जो एडवांस आ चुका है उसको बंद कर देंगे. कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड. फर्स्ट कॉल कितनी मिलनी थी 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 60,000 मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, यस और नो? यस. ठीक है, उसमें से इस स्टेज के कितने एडवांस में आए हुए देखो, 700 शेयर्स पे इस स्टेज के 2 रुपए एडवांस में आए हुए, 700 शेयर्स पे 2 रुपए, 1400 बंद कर दो. अब कितने मिलेंगे 58,600. आई रिपीट, 60,000 मिलना था, ऑलरेडी जो मिल चुका है उतने कॉल्स इन एडवांस क्लोज कर दो. अब कितने मिलेंगे 58,600. ठीक है, आगे 7th शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स पे सेकेंड कॉल कितनी है 130,000. जब रिसीव करने की बारी आई, एंट्री नंबर 8 बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे भी कॉल्स इन एडवांस बंद कर दो. कॉमन सेंस है, जो पैसे पहले मिल चुके अब थोड़ा ना मिलेंगे. एक 700 शेयर होल्डर वाले ने पहले दे दिए, फर्स्ट कॉल कितने दिए एडवांस में, बस अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेज पे एडवांस बंद हो गए 700. यानी अब कितना मिलेगा 29,300. आई रिपीट द एंटायर सम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा. कहते हैं 30,000 शेयर्स हैं, 700 शेयर्स पे एक बंदे ने फर्स्ट और सेकंड कॉल जल्दी दे दी. फर्स्ट एंट्री नॉर्मल 30,000 × 4 = 120, 120 शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज 1,20,000, 1,20,000. अलॉटमेंट ड्यू करें 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट कितनी है 90,000. जब रिसीव करने की बारी आई तो 2 शेयर अलॉटमेंट 90, और एक बंदा है उसके कितने शेयर्स हैं 700 शेयर्स पे उसने 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 700 शेयर्स पे 1 रुपी फर्स्ट सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया. जो एडवांस दे दिया उसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस. और कॉल्स इन एडवांस इस एंट्री में क्या होएगा, क्रेडिट, क्योंकि उसने मुझे जल्दी दे दिया, मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट अंडरलाइन. बाय मेकिंग द पेमेंट इन एडवांस द शेयर होल्डर बिकम्स क्रिएटर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर कॉल्स इन एडवांस इज क्रेडिटेड व्हेन रिसीव्ड. कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, क्रेडिटेड व्हेन रिसीव्ड. देखो, कॉल्स इन एडवांस इज क्रेडिटेड व्हेन रिसीव्ड. ठीक है, आगे. अब हम सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फॉर ड्यू सारे करेंगे. 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज कितना हो गया 60,000 फर्स्ट कॉल ड्यू की. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो एडवांस मिल चुका है उसको डेबिट कर दो, है ना. जो इनकम प्री रिसीव होती है उसको अगली स्टेज में डेबिट कर देते हैं, प्लस वन में भी किया था. ठीक है, क्या डेबिट करेंगे, क्या कहा था, कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड
एट सब्सिक्वेंट स्टेज व्हेन इट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड, जब मिलना था तो उतना बंद कर दो, क्योंकि नेचुरल है जो पहले मिल चुका है अब नहीं मिलेगा। यानी पहले कितना मिल चुका है, 60,000 मिलना था स्टेज का, ऑलरेडी 700 शेयर्स पे 2 रुपये मिल चुके हैं, 1400 अब नहीं मिलना, 60,000 में से 1400 नहीं मिलना, यानी कितना मिलना है, 58,600। कितना मिलेगा, 58,600। शेयर सेकेंड कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 30,000 शेयर्स पे 1 रुपये, कितना आ गया सेकेंड कॉल, 30,000। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल कितना मिलना था, 30,000, ठीक है ना। कितना एडवांस में आ चुका है स्टेज का, 1 रुपी 700। अब कितना आया, 29,300, 29,300, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। एक और सम करेंगे ऐसे का, विल सॉल्व अनदर सम। लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन, राइट डाउन द सम। चलो क्वेश्चन लिखें, एस लिमिटेड इशूड, साइड पे लिख रही हूँ, 25,000 शेयर्स, मनी पेपर 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एक प्रीमियम के साथ करते हैं, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, मनी पेपर ऑन एप्लीकेशन 4, ऑन अलॉटमेंट 5, बैलेंस ऑन कॉल, कितना बचा, 10 वाला शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हुआ, यानी यानी 12, 9 रुपीज ऊपर हो गए, अब कितने बचे, 3, ठीक है जी। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 900 शेयर्स पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ पे कर दी, कितने शेयर्स, 900 शेयर्स पेड फर्स्ट कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, कहते हैं पास एंट्रीज। करें स्टार्ट, चर्च फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 25,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 4, 1 लाख, 1 लाख शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, नो प्रॉब्लम्स एट दिस पॉइंट, टू शेयर कैपिटल 4 लाख, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, उन्होंने बताया नहीं प्रीमियम कौन से स्टेज पे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज पे है, अपने आप से स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी 2 रुपये अगर प्रीमियम है तो कितना हो गया, 3 प्लस 2, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे लिख दो 2 SPR, प्रीमियम भी है, 25,000 इंटू 5, 1,25,000, 25,000 इंटू 3, 75,000, 25,000 इंटू 2, 50,000, आराम से करो मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, और कोई बंदा जल्दी पैसे दे दे तो क्या खोल देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, अलॉटमेंट कितनी मिलनी थी, 1,25,000, एडवांस में क्या आया, 900 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल, अगली स्टेज एडवांस में आई है, यानी 900 इंटू 3, 2,700, टोटल कितना आया, 127,700, ठीक है। चलो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल ड्यू में कोई चेंजेस में डाला करो, 25,000 इंटू 375,000। और जब रिसीव करने की बारी आई, जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो कॉल्स एडवांस में आई है उसको क्लोज कर दो। तो कॉल्स एडवांस का रूल है, कॉल्स एडवांस क्लोज होना ही होना है टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। 75,000 कॉल्स एडवांस का क्या है, कितना एडवांस आ हुआ है, 2700 स्टेज का, एक ही स्टेज का था, बाकी पैसे यहाँ पे रिसीव कर लो। 75,000 माइनस 2700 72,300 ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन, अब मैं कॉल्स इन अरियर के क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। आपकी आईसीएसई की बुक में से सम करते हैं, ओपन द बुक। आई डोंट नो पेज क्या है, आई मीन के और मेरे पास पुराना एडिशन है तो मैं तो उसमें से करा रही हूँ, ठीक है। तो उसके नियर बाई होगा सम, जो मैंने सम पकड़ा होगा, तो टेक आउट ये, मैं आज आपको होमवर्क दे सकती हूँ। मैं अभी एक और डिफरेंस सम अपने आप ही नोट कर लाती हूँ, मेरे नोट्स में से करोगे अभी आप। एक क्वेश्चन लिखो, डिफरेंट है थोड़ा सा, कॉल्स इन अरियर्स, फिर कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस साइमल्टेनियसली। तो आज कॉल्स इन एडवांस हो गया ना, तो एक प्रैक्टिस हम करेंगे कॉल्स इन अरियर्स का, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि अब मिक्स मिक्स सम्स चलेंगे ना, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, थोड़े थोड़े सम्स। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। राइट डाउन द सम, डब्ल्यू लिमिटेड इशोड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 5 कॉल्ड। अब कई बार मंगवाए ही कम होते हैं, तो 10 को भी भूल जाएंगे आप, 5 रुपए के हिसाब से इंक्रीज करेंगे कॉल्ड अप। तो एक नया पॉइंट लिख लो, अब नीचे लिखवाते हो, इफ कॉल्ड अप वैल्यू इज गिवन इंटरेस्ट विद बी विद द अमाउंट कॉल्ड अप, वो लिखवा देते। मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन टू ऑन अलॉटमेंट 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकेंड कॉल, 1। टोटल कितने मंगवाए, 5। आगे फॉलोइंग वर अरियर्स, अरियर्स मीन्स क्या क्या नहीं मिला। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड 500 तो सिंपल है, स्ट्रक्चर ये रहने दो। आप लिखो अमाउंट रिसीव्ड इज एज फॉलोज,
अमाउंट रिसीव्ड इज, ऑन 250 शेयर्स ओनली रुपीज 2, ऑन 500 शेयर्स ओनली रुपीज 3, ऑन 300 शेयर्स ओनली रुपीज 4, रेस्ट पेड फुल अमाउंट, रेस्ट पेड फुल अमाउंट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। कहते हैं 250 शेयर्स पे 2 रुपए मिले, यानी 250 शेयर होल्डर्स ने ये पे किया, ना उन्होंने अलॉटमेंट दी, ना उन्होंने फर्स्ट कॉल दी, ना उन्होंने सेकंड कॉल दी। अमाउंट रिसीव्ड इज एज फॉलोज, 250 शेयर्स ने सिर्फ 2 रुपए दिए, यानी क्या दिया, एप्लीकेशन दी, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। आगे बढ़ते हैं, 500 शेयर्स पे 3 रुपए मिले, यानी क्या मिला, एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट मिली, रिसीव्ड दिया हुआ है तो नॉट रिसीव्ड खुद से निकालेंगे, ठीक है जी। 300 शेयर्स पे 4 रुपए मिले, यानी एप्लीकेशन तो मिली, अलॉटमेंट मिली, फर्स्ट कॉल मिली, क्या नहीं मिला, सेकेंड कॉल, बाकियों ने सारे दिए, ठीक है जी। अब अपना सम नॉर्मली शुरू करेंगे, हमने ये अपना स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर के बिना सम मत किया। लेट्स बिगिन, बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखो जी ये चीज़ तो मैंने कही थी, एप्लीकेशन मनी तो सारे ही देते हैं, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स थे टोटल, 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज सबकी आई, 1 लाख। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, 2 शेयर कैपिटल, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है जी। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल ड्यू, सारी सारी करना, 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी बनती है, 1, 50,000। जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, somebody has not paid, therefore calls in arrears debited, 2 share allotment rule क्या है, allotment जितने पे open उतने पे close, calls in arrears क्या है, पढ़ो यहाँ से देखो calls in arrears क्या है, 250 shares पे allotment money कितनी नहीं आई, 1, therefore calls in arrears हो जाएंगे 250 into 1, अलॉटमेंट स्टेज के अरियर्स चेक कर रहे हैं ना, तो 250 into 1 कितने हो गए, कॉल्स इन अरियर्स 250, तो कितना मिला, 49750, ठीक है। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितनी है, 1, 50,000। जब रिसीव करने की बारी आई, सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, समबडी हैज नॉट पेड, कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 50,000 रुपीज मिलने थे, 50,000 रुपीज मिलने थे, कॉल्स इन अरियर्स क्या है, किस किस ने नहीं दिए, ये देखो 2 क्रॉसेस लगे हुए फर्स्ट कॉल पे, है ना, एक तो ये 250 वाले ने नहीं दिए, 250 वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक 500 वाले ने नहीं दी, तो बना दो ब्रैकेट, 250 into 1 प्लस 500 into 1, 750, 49250, शेयर
सेकेंड कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल ड्यू सारी करो 50,000. जब रिसीव करने की बारी आई बैंक अकाउंट डेबिटेड जो जो पैसा नहीं देगा वो मेरा डेटर बनेगा. कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल. सेकेंड कॉल कितने मिलनी थी 50,000 अगेन. तीन बंदों ने नहीं दिया ब्रैकेट्स में ऐड कर दो. देखे अपना स्ट्रक्चर मत छोड़ा करो. देखो क्रॉस 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 250 into 1 500 into 1 300 into 1. तीन बंदों ने पैसे नहीं दिए तो बनाओ 250 into 1 500 into 1 300 into 1. ये सारे कॉल्स इन अरियर्स हो गए. 1050 रुपीस नहीं आए 50,000 में से. में से 1050 नहीं आए तो कितना है 48950 रिसीव कर लो 48,950. Is it clear? समझ में आई बात? ध्यान से देखो जो मैंने किया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तब हम कॉल्स इन एरर्स डेबिट करते जाएंगे. और स्ट्रक्चर बहुत केयरफुली बनाना होता है. जैसे उन्होंने कहा 250 शेयर्स पे ओनली 2 रुपीज़ मिले तो बच्चों को लगता है मैम वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी तो दे सकता था, आपने एप्लीकेशन के ही क्यों माने. बेटा ऐसा हो सकता है आप मुझे फीस दो और आपको मैं अप्रैल के बाद में दे दूंगा, मई की पहले ले लूँ. तो मैं क्या कहूँगी, जो भी आपके ड्यूज आए वो पहले पिछले बैलेंस में एडजस्ट होंगे फिर अगले बैलेंस में चलेंगे, है ना. तो अकॉर्डिंगली सम होगा. इज इट क्लियर? एनी डाउट अप टिल हियर? आई कैन नॉट आस्क, ऑब्वियसली इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है, ऐसे का ना बुक में मिलता जुलता सम है. कॉल्स इन अरियर्स में ना स्पेसिफिक सम्स बुक में से बताया तो मेरे पास ना अभी है पुराना एडिशन. तो या मैं ऐसे करती हूँ सम्स मंगवा लेती हूँ, ठीक है ना. मानित कैन सेंड मी सम्स फ्रॉम SPM बुक. आई विल मार्क द सम्स विच आई हैव टू बी डन अलॉन्ग विद दैट. मैंने आपको उसके भी सम्स दिए हैं फंडामेंटल्स के और उसके 10-10 सम्स प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी करोगे और साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट भी करोगे. क्योंकि अगर हम आगे वाले चैप्टर पे चलेंगे हमारा पिछला चैप्टर हम भूल जाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. वो सम्स हर रोज के 10-10 साथ में करने ही करने हैं. इज इट क्लियर? अगला टॉपिक थोड़ा सा अब मैंने कराना है ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स. पहले दो सम्स आज के होमवर्क के लिखो पहले, फिर मैं अगला सम कराती हूँ कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस टुगेदर. पर पहले आज का होमवर्क लिखो और अगला सम लिख लेंगे चाहे करेंगे नहीं. राइट ऑन 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. क्वेश्चन 1, राजा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%. मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, 2+1, ऑन अलॉटमेंट 4, 3+1, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल. बैलेंस कितना बचा? 13 रुपीज का शेयर है तो बैलेंस बचा 6. सो ब्रैकेट वुड बी, क्योंकि 3 रुपीज प्रीमियम पूरा करना है, 5+1. आगे अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स पेड फर्स्ट कॉल
अलोंग विथ अलॉटमेंट, उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के साथ पे कर दी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन टू। महेश लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन सेकेंड कॉल बैलेंस। आगे अ शेयर होल्डर होल्डिंग 250 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, उसने भी पैसे जल्दी पे कर दिए, पास एंट्रीज, पास एंट्रीज, ठीक है। चलो अगले टॉपिक का मैं सिर्फ सम लिखवा रही हूँ ताकि कल फटाफट से हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस एंड यू डू गिव इट अ ट्राई, लेट मी सी कितना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपसे हो गया वेल एंड गुड, एंड डू सेंड मी इफ यू सॉल्व साइमल्टेनियसली, एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स भी आ जाए, कॉल्स इन एडवांस भी आ जाए। क्वेश्चन लिखे, एस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 4, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल 2, ऑन सेकेंड कॉल 1। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद अलॉटमेंट, जल्दी पे कर दिया, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। एक बंदे ने फर्स्ट और सेकेंड कॉल जल्दी पे कर दी और एक और बंदे ने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे नहीं कर पाया, बस पास एंट्रीज, हमने क्या पास करनी है एंट्रीज। सो लेट मी सी हु इज एबल टू डू दिस, जो भी किया होगा मुझे ज़रूर सेंड करना, ठीक है, फिर मैं चेक करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।